इस वीडियो में कैपेसिटर क्यों यूज करना पड़ता है सिंगल फेस मोटर पे, ठीक है। ये देखने पहले थ्री फेस मोटर बारे में जानना जरूरी है। मोटर स्टार्टर में थ्री फेस देने से उसमें आरएमएफ क्रिएट होता है। आरएमएफ मींस रोटेटिंग मैग्नेट। ये रोटेटिंग मैग्नेट प्लस करंट की वजह से क्रिएट होता है। ये थ्री फेस साइन वेव का इमेज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रेड फेस देखिएगा, इस पॉइंट में जीरो वोल्ट है, ठीक है। प्लस 100, 200, 400 प्लस फिर डाउन होता है 200, 100 प्लस जीरो हो जाता है। फिर नेगेटिव में जाने से क्या -100, -200, -400, ठीक है। वैसे टाइम टू टाइम वोल्टेज वेरी होता रहे, कांस्टेंट वोल्टेज नहीं रहता है, ठीक है। वैसे येलो फेस और ब्लू फेस में भी, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, जब रेड फेस आपका पीक में रहता है उस टाइम में आपका ब्लू फेस और येलो फेस आपका नेगेटिव में रह रहा है, ठीक है। वो भी कम वोल्टेज में रहता है। सो एक टाइम पे तीनों फेस का वोल्टेज सेम नहीं रहता, वेरी होते रहेगा, ठीक है। एक वोल्टेज पीक रहेगा, एक वोल्टेज डाउन रहेगा, एक वोल्टेज नेगेटिव में रहेगा, वैसे चेंज होते रहता है, ठीक है। और इस वेरिएशन आपको एक सेकंड पे 50 टाइम्स चेंज होता है, ठीक है। उतना फास्ट चेंज होने से क्या आप अगर वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको वोल्टेज कांस्टेंट वोल्टेज दिखाता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली वो वोल्टेज वेरिएशन होता है। इस थ्री फेस को मैंने स्टेटर में दे रहा हूँ। स्टेटर में देने से क्या, जिस फेस का वोल्टेज ज़्यादा है उस फेस का कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा रहता है, ठीक है। बाकी सब आपका वोल्टेज कम रहने से क्या मैग्नेटिक फ्लक्स कम रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, दूसरा कॉइल का वोल्टेज ज़्यादा होने से उसका मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा और इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देखा होगा फंक्शन में जो डेकोरेटिंग करता है ना, रोटेटिंग LED रोटेटिंग लाइट टाइप का, उसमें क्या आपका देखने से क्या लगता है लाइट रोटेट हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली लाइट रोटेट नहीं होता है, वो ऑन ऑफ होता है, ठीक है। ऑन ऑफ होने से क्या वो लाइट रोटेटिंग टाइप लगता है, ठीक है। वैसे इसमें भी है, जैसे थ्री फेस सप्लाई आपका जो वोल्टेज वेरिएशन होता है टाइम टू टाइम, वैसे आपका यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम बेसी होता है, ठीक है, चेंज होते रहता है। सो ऐसे करके आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है। ऐसा सिंगल फेस में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि सिंगल फेस में एक ही फेस रहेगा, ठीक है। सो एक ही फेस को सारा पोल पे में देंगे तो सेम टाइम में सेम वोल्टेज रहेगा सारा पोल में, ठीक है। सो वेरी नहीं होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगा। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए कम से कम टू फेस चाहिए, ठीक है। सो ये सिंगल फेस को डबल फेस करने के लिए कैपेसिटर यूज़ करना पड़ता है। ये दो फेस है, ये दो फेस कैसे डिफरेंट होता है, फेस एंगल से डिफरेंट होता है, ठीक है। ये जो फेस है, ये फेस है, ये फेस 90 डिग्री डिफरेंट है, ठीक है। जब ये पीक वोल्टेज में रहेगा तो उस टाइम ये इतना कम वोल्टेज में रहता है, ठीक है। उसका मतलब ये पीक वोल्टेज में रहेगा तो वो कम हो जाए, कम रहता है वोल्टेज, ठीक है। तो ये फेस एंगल से दो फेस बोल के डिफरेंट हो जाता है। सो अपने को फेस डिफरेंट करने के लिए, दो फेस या तीन फेस बनाने के लिए हमको फेस टू फेस फेस एंगल डिफरेंट करना है, ठीक है। वो फेस एंगल डिफरेंट करने के लिए कैपेसिटर, ओके। सो कैपेसिटर कैसे फेस एंगल डिफरेंट करता है, इसमें दो वाइंडिंग है, ठीक है। एक तो रनिंग वाइंडिंग, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग। इसमें अभी सिंगल फेस सप्लाई करंट कर रहा हूँ। करंट करने से आपको सेम टाइम में सेम पीक वोल्टेज पहुँचता है आपका दोनों वाइंडिंग पे, ओके। सो मैग्नेटिक फ्लक्स भी आपका दोनों सेम ही रहता है एक ही टाइम पे। अभी एक वाइंडिंग मैंने कैपेसिटर सीरीज कर रहा हूँ। सीरीज करने से क्या होगा, जब सिंगल फेस सप्लाई देंगे देने से क्या एक वाइंडिंग में जल्दी आपका पीक वोल्टेज आ जाएगा, तो दूसरा वाइंडिंग जिसमें कैपेसिटर लगा हो उसमें चार्जिंग हो के फिर कुछ टाइम बाद उसमें पीक वोल्टेज पहुँचता है वाइंडिंग में, ठीक है। सो ये जो टाइम डिफरेंट है, ये जो फेस है और ये टाइम डिफरेंट से दूसरा फेस हो जाता है, टाइम से फिर पीक वोल्टेज आ रहा है। सो दोनों को एंगल डिफरेंट हो जा रहा है, ठीक है। इसमें दो फेस बन जा रहा है, राइट। सो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए अपने के दो फेस चाहिए। सो ये कैपेसिटर कनेक्ट करने से हमको दो फेस मिल गया, ओके। थैंक यू।